कट कराना है तो बहुत अच्छा बात है, वायरल करना है तो भी बहुत अच्छा बात है। ये तो मैं YouTube वाले के लिए भी दे दूंगी और YouTube वाला मेरे लिए दे देगा पेमेंट। मैं तो YouTube, ओनली आपका वे उसके अच्छा लिए कर रही हूँ, आपका इसमें बेइज्जती नहीं होगा, ये बात है, अच्छा वरना पूरा आपका लाइफ खराब हो जाएगा। ये बात है। तो हाँ तो ठीक है, मैं ये अकाउंट नंबर दे रही हूँ। सावधान हो जाए फेसबुक चलाने वाले, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कुछ लोग अराजक तत्व ब्लैकमेलिंग का धंधा। इससे कई पीड़ित लोगों के फोन आए हमारे पास, बताई अपनी समस्या कि पहले लड़की के आईडी से आती है उनके पास मित्र आवेदना, जिसको सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट कहते हैं, और करते हैं उधर से वीडियो कॉल, और यहीं से चालू होता है उन लोगों का नंगा नाच, और करते हैं अपना अंग प्रदर्शन, और आपसे भी कहेंगे वैसा करने के लिए। गलती से अगर आपने वैसा कर दिया अंग प्रदर्शन, तो आपकी वीडियो वहाँ पे वो बना करके आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पर भेजते हैं, और आपको धमकी देते हैं कि 5,000 रुपया दीजिए, नहीं तो इसको मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। ऐसा कई लोग जो है इससे पीड़ित हैं, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, और उसके बाद अपशब्दों का प्रयोग करके इतनी गालियाँ देती हैं वो लोग, भी साथ में धमकी देते हैं कि पैसे दे दो हमारी ATM पे या Paytm पे, और नहीं तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, और नाना प्रकार की वो धमकी आपको देती हैं। ऐसा कई लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया। तो आप लोग सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपकी समझ में आती है कि ये सही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट ना करें, उसको डिलीट कर दें। और वीडियो कॉल तो कतई नहीं करना है, ऐसे लोगों से वीडियो कॉल नहीं करना है जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, उससे कतई इसको वीडियो कॉल नहीं करनी है। इन लोगों से होशियार रहिए, और ये गोरख धंधा बना रखे हैं भोले भाली जनता को अपने चंगुल में फंसा करके, उनसे ये धन वसूलने का, पैसा खींचने का काम कर रहे हैं। जो एक बार फंस जाता है उसे कई बार ऐसा करने का ये लोग प्रयास करते हैं। आप लोग जो है इससे सावधान हो जाइए, और अगर आप ऐसे उसमें शिकार हो चुके हैं तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये खाली बस अपना भौकाल बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन धमकियों में आना नहीं है, और ना तो ऐसा कृत्य करना, ऐसा हम क्यों करेंगे जो हमको लोग धमकी देंगे, पहली बात तो ऐसा हमको करना नहीं है। और अगर बाय द वे धोखे से अगर हो गया तो आप लोग घबराइए मत, हर चीज़ का निदान है, समस्या हल हो जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसे शिकार हो जाते हैं वो बेचारे किसी से कह भी नहीं सकते हैं, इतनी शर्मनाक बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर ही घुटते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने दोस्तों से और आप अपने जो जिनको आप जानकार समझते हैं उनसे शेयर करना चाहिए, उसका निदान तो निकल ही आएगा, और आप परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले भी फ़ोन आया था, आज भी आया है, तब हमको मजबूरी बस ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को सूचना देता हूँ कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें, और घर में ही रह करके, इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, घर में ही रह करके अपनी हिफाजत करते हुए आराम से घर पर रहें, और बाहर अगर आप कभी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह से ज़रूर प्रयोग करें। और वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है कि सभी लोगों को ये चीज़ बता दें, नहीं तो इसमें कोई भी सीधा साधा आदमी, अपने ही लोग या कोई भी फंस सकता है, इसलिए सबको आगाह किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार।